बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मी ब्रिगेड जावेद सरवर, प्रिंसिपल गर्ल्स कैड कॉलोनी मैदान। कुछ चीज़ें थी मैंने कहा आप लोगों को शेयर करूं। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे यूट्यूब पे भी और इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज पे भी, जो कि गर्ल्स कैड कॉलोनी मैदान के नाम से हैं दोनों, और मेरे पर्सनल फेसबुक पेज के भी, जिसका जो है जावेद सरवर के नाम पर, JAVID SARWR उसके नाम पर है। बच्चों के पेरेंट्स के क्वेश्चंस हैं कि हाउ टू गेट एडमिशन इन द गर्ल्स कैड कॉलोनी मर्दान। तो आई थॉट कि मैं आपको इस पे पूरा एक डिटेल प्रोसीजर एक वीडियो क्लिप अपलोड कर दूं, सो दैट यू आर क्लियर हाउ टू गेट एडमिशन एंड हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर द हाउ द पोटेंशियल कैंडिडेट कैन प्रिपेयर फॉर द एडमिशन इन गर्ल्स कैड कॉलोनी मर्दान। याद रखिए, पहली चीज़ तो ये है कि दिस कैड कॉलेज इज वर्किंग इन अ टेम्परेरी कैंपस एट द मोमेंट इन मर्दान, and inshallah will be shifted to a new location which is also in outer fringes of Mardan very soon inshallah. The construction work is underway. Pehli cheez hum baat kar lete hain with regard to admission. We have the admission in class 8th, jiske liye age limit is from 12 to 14. Jo bachiyan class 7th mein pad rahi hain ya 7th pass kar chuki hain ya class 8th mein hain, they are eligible to appear. मीनिंग बाय इफ दे फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ द एज। एज हम लिमिट लेते हैं जिस दिन बच्चियों ने इंशाल्लाह कैडेट कॉलेज को ज्वाइन करना है, दैट डे विल बी टेकन एज अ लास्ट डे ऑफ द काउंटिंग ऑफ द एज। इसके लिए सिलेबस ये है 8th क्लास के लिए, वी टेक 4 टेस्ट एंड वी कंडक्ट द कम्प्लीट एग्जामिनेशन इन 1 डे। ये 4 पेपर होते हैं जी। पहला पेपर होता है मैथमेटिक्स का, फॉलोड बाय इंग्लिश का पेपर। तीसरा पेपर होता है साइंस का। चौथा उर्दू और इस्लामियत का कंबाइन पेपर होता है। सो मीनिंग बाय वी टेस्ट द पोटेंशियल कैंडिडेट आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट इन 4 पेपर्स। 4 पेपर होते हैं, हर पेपर की ड्यूरेशन होती है 1 आवर एंड द टोटल मार्क्स आर 50। सो दीज ऑल पेपर्स इंक्लूड सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसमें सिलेबस KPK का सिलेबस है एंड यू कैन ऑलवेज गेट ऑल द सिलेबस इन कम्प्लीट KPK इज द सेम एंड यू कैन इवन कॉन्टेक्ट आर नंबर, ऑपरेटर भी अवेलेबल। अगर आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम है विद रिगार्ड टू प्रोक्योरमेंट प्रॉस्पेक्टस अभी अवेलेबल हैं। अगर सिलेबस की प्रॉब्लम है, बुक्स लेना चाहते हैं, इवन यू कैन कॉन्टेक्ट, यू कैन सी आर नंबर बींग फ्लैश ऑन द स्क्रीन। उसमें ये होता है जी, हम तरीकाकार ये होता है, सितंबर के एंड पे हम इसको एडवर्टाइज कर देते हैं एंड एडवर्टीजमेंट इज डन थ्रू द इंग्लिश न्यूज़पेपर, उर्दू न्यूज़पेपर। नॉर्मली वी प्रेफर इन इंग्लिश पेपर डॉन एंड द उर्दू न्यूज़पेपर्स एंड प्लस द सोशल मीडिया एंड सेप्टेम्बर, अक्टूबर एंड नवम्बर, दीज आर द टाइम टिल 30th November द टाइम इज यूटिलाइज फॉर द रिसीविंग ऑफ द एप्लीकेशंस। उसके लिए जैसे हम ऐड देते हैं, हमारे प्रॉस्पेक्टस मुख्तलिफ बैंक्स में, पर्टिकुलरली मेन सिटीज ऑफ पाकिस्तान अस्करी बैंक्स में अवेलेबल होते हैं। इवन देन, अगर इफ यू समबडी इज इंटरेस्टेड टू गेट द प्रॉस्पेक्टस जस्ट नाउ, इट इज़ अवेलेबल और उसकी कॉपी हमारे पास, इवन हमारी जो वेब पेज है, दैट इज www.gccm.edu.pk, उस पर भी अवेलेबल है। ये वेबसाइट का पेज आपके सामने फ्लैश किया जा रहा है, आप उसको देख लीजिएगा, इट इज़ अवेलेबल, यू कैन सी द डिटेल्स ऑन दैट। हम ये करते हैं कि टेस्ट की डेट एक ही सिलेक्ट करते हैं और ये टेस्ट का कंडक्ट होता है मर्दान गर्ल्स कैड कॉलेज के अंदर, एक ही जगह पे होता है। आई रिपीट, टेस्ट हमारा मुख्तलिफ जगह पे नहीं होता। वी हैव वन टेस्ट 1 डे, दैट इज़ ऑन प्रेजेंट लोकेशन, दैट इज़ अ कैंपस गर्ल्स कैड कॉलेज मर्दान, राइट। उस दिन बच्चों को सुबह 7 बजे रिपोर्ट करना होती है। द पोटेंशियल कैडेट्स, दे आर सीड बाय द एक्चुअल कैडेट्स, दोज दे आर एट द मोमेंट इन द गर्ल्स कैड कॉलेज मर्दान, उनको प्रॉपर रिसेप्शन दी जाती है। द पेरेंट्स आर नॉट अलाउड टू कम इन टू द कैड कॉलेज, दैट इज फॉलोड बाय द प्रॉपर ब्रीफिंग बाय द प्रिंसिपल हाउ द कंडक्ट विल बी टेकन प्लेस। एंड आफ्टर द टेस्ट वी हैव द इंटरेक्टिव सेशन विद द कैडेट्स, ताकि जो पोटेंशियल कैडेट्स हैं, द पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, वो कैडेट के साथ इंटरेक्ट करें एंड इफ दे सर्टन हैव सर्टन डाउट्स, दे कैन क्लेरिफाई फ्रॉम देयर कोलीग्स। और तकरीबन जिसमें हम रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट भी करते हैं, और 2 बजे, मीनिंग बाय 14 आवर्स, द पोटेंशियल कैंडिडेट्स दे आर अलाउड टू गो बैक। इसके बाद
हमारा प्रोसीजर ये होता है तकरीबन एक महीना लगता है हमारे टेस्ट की मार्किंग को. सो मीनिंग बाय द मिड ऑफ जनवरी द टेस्ट रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड थ्रू द सोशल मीडिया. जो टॉप मेरिट की बच्चियाँ होती हैं वी कॉल देम फॉर द इंटरव्यूज. वो इंटरव्यूज के मुख्तलिफ डेट्स होती हैं, वी गिव देम इन राइटिंग थ्रू द मेल. हम बच्चों को दे देते हैं, बच्चे आते हैं, यहाँ पे पैनल होता है, पैनल उनको इंटरव्यू करता है विच इज़ फॉलोड बाय साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड प्लस द मेडिकल एग्जामिनेशन. जैसे ही इनका मेडिकल एग्जामिनेशन साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है वी मेक अ फाइनल मेरिट. और जैसे फाइनल मेरिट बन जाता है सो बाय फरवरी वी एलोकेट द सीट्स टू डिफरेंट पोटेंशियल कैंडिडेट्स और द कैडेट्स ऑफ जीसीसी. ये चीज़ें तो ये क्लियर हो गई जी. ये मुख्तलिफ क्वेश्चन थे जो कि मुख्तलिफ ऑफ एंड ऑन सोशल मीडिया पे द पीपल कीप आस्किंग. विद रिगार्ड टू वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आजकल लोग मुझसे बच्चियाँ भी कॉन्टैक्ट कर रही हैं, उनके पेरेंट्स कॉन्टैक्ट करते हैं विद रिगार्ड टू एडमिशन इन द फर्स्ट ईयर. एट द मोमेंट जी वी आर नॉट टेकिंग एडमिशन इन द फर्स्ट ईयर बिकॉज वी हैव द लिमिटेड स्पेस अवेलेबल एंड वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज द एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी ऑफ द कैडेट्स एंड वी यू नो इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन. राइट जी. इंशाल्लाह जब हमारा कैडेट कॉलेज बन जाएगा, जब वंस वी शिफ्ट टू द न्यू बिल्डिंग इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट टेकिंग द न्यू कैडेट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑल्सो. एट द मोमेंट वी ओनली टेक फ्रॉम द 8th क्लास, मीनिंग वाइज द कैडेट हैड टू स्टे विद अस टिल फॉर 5 years टिल कम्प्लीशन ऑफ सेकेंड ईयर. और इसमें आपके नॉलेज के लिए हमारा एम्फेसिस 4 चीज़ों पर होता है, दैट इज़ द एकेडमिक एक्सेलेंस, फिजिकल फिटनेस, पर्सनैलिटी बिल्डअप and inculcation of national and religious spirit. I hope I made myself clear and you are very clear on this. Still you have any doubt and the question, you can put across the question on my this video clips. Inshallah, I hope so all the doubts will be cleared. Thank you Maji, Allah bless you. Assalamu alaikum.